गुड मॉर्निंग भाई लोगों, आज है 4 अगस्त 2024। लेडी खड़ी है उधर, हम आ रखे हैं अपने वाले घर पे जो खरीद रहे हैं आज भाई। वो रूफ वाला भाई दोबारा आ रखा है, हमारा जो रूफ वाला भाई है उससे हमारी बात चल रही है। उसने एस्टिमेशन तो हमें दे दिया था, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था उसने हमें बोला कि भाई जब तुम रूफ लगवा रहे हो, नई पूरी की पूरी नई रूफ लग रही है, तो एक नई टेक्नोलॉजी आ रखी है जो पहले से इंसुलेटेड होती है, जो ना ठंड और गर्मी अंदर आए और पहले से सैंडविच टाइप में बनी होती है। उसमें मतलब ऊपर जो भी लगा होता है मेटल का सामान लगा होता है, फिर बीच में इंसुलेशन लगी होती है, फिर नीचे ड्राई वॉल जो बिल्कुल प्लेन हो जाती है, उसमें कुछ काम नहीं करना पड़ता, बस लगानी है। ये वाले रूफ वाले भाई लगाएंगे नीचे से, हमें उसको बस पेंट करना है, मतलब रेडी टू, बिल्कुल सही रेडी है। नहीं तो क्या होता है, जो पुराने स्टाइल वाली होती है उसको लगाते हैं, लकड़ी लगती है, लकड़ी के बाद एक फिर वो लगता है ऊपर की टाइल लगती है, फिर उसके नीचे इंसुलेशन लगती है, फिर उसके नीचे लगती है ड्राई वॉल, तो मतलब 4-5 चीज़ें आती हैं। तो आजकल वो रेडी आने लग गई है। तो हमारे जब कॉन्ट्रैक्टर ने हमें बताया तो हमने अपने रूफ वाले को बोला, बट वो भाई इतना कीन नहीं लग रहा है इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, ये फ्यूचर है इस वाली टेक, ये वाला जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसका, ये फ्यूचर है रूफ का, नई रूफ्स का यूरोप में, क्योंकि वो इंसुलेशन अच्छी होती है। तो उसके चक्कर में उसको जो रेटिंग मिलती है घर की, तो यहाँ पे ना घरों को रेटिंग मिलती है, तुम्हारा घर कितना एनर्जी सेव करता है, तुम्हारा घर कितना इंसुलेटेड है बढ़िया, तो उसके हिसाब से रेटिंग मिलती है। तो वो वाले जो रूफ बता रहा हूँ मैं, सैंडविच वाली रूफ, उसकी रेटिंग A++ है। तो वो वाली रूफ पे हम पुश कर रहे हैं, मगर ये लोग इस पे काम नहीं करते, क्योंकि नई नई चीज़ आई है वो, तो जो पुराने वाले टाइप के बिजनेस वाले लोग होते हैं ना, उस पे काम नहीं कर रहे उसको, हम उसको थोड़ा फोर्स कर रहे हैं कि भाई ये वाला चाहिए क्योंकि फ्यूचर है, तो अभी चेंज ही कर रहे हैं, तो आगे के 50 साल के लिए चली जाए ना काम, 50 साल तो नहीं, 20-25 साल जितना भी चलेगी उसके लिए चल जाए। तो वो आ रखे भाई लोग हम अपनी वाली जगह पर, और भाई मैं तो सोया हूँ 3-4 घंटे, सुबह मैंने वीडियो अपलोड करी मेरे को 6 बज गए, 6 बजे मैं जैसे सोने गया और 9 बजे लेडी ने उठा दिया, बोला कि भाई हमारी अपॉइंटमेंट है माता मेट में, रूफ वाला भाई आ रहा है। तो हम आके यहाँ पड़ गए भाई लोगों, और भैया जी हम आके, हाँ तो आ गए भैया जी, गाड़ी में सो रहे हैं, मैं अंदर नहीं जा रहा, लेडी चली गई उनके पास बताने के लिए उनको चीज़ें, मैं भैया जी को देख रहा हूँ, वो सो रहे हैं यहाँ पर, हाँ सो रहे हैं, मैं जल्दी जाके थोड़े बहुत बीरो ले लेता हूँ। भाई लोगों, जोई लगी हुई है अंदर, उसमें मैं और भैया लगे हुए थे बाहर समझाने में एक दूसरे को कि मेरे को ये वाली रूफ क्यों चाहिए, वो बोल रहा है ये रूफ मत लो, वो आपस में भाई उनकी चल रही है बहस, और वो बोल रहा है नहीं 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 अपने मेरे को कॉन्ट्रैक्टर से बात कराओ कि मैं उसको समझाता हूँ कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई इन लोगों को वो वाली रूफ लगानी नहीं है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, तो इसके चक्कर में तो चलने तो उनका वो चल रहा है, मगर मुझे पता है कि भाई मुझे फुल विश्वास है जोई पे, वो जो हमने सोचा है वही करवा के मानेगी वो, तो वो तो हो रहा है उधर की तरफ। मैं और भैया, भैया जी हे, मैं और भैया जी आ गए हैं भाई लोगों बाहर, मतलब बाहर के हम बैठे पहले रिवर पे थोड़ी देर, अपने अड्डे पे बैठे हुए थोड़ी देर, वहाँ पर भैया जी ने अपनी लीज पैक की नीचे, फिर लेफ्ट राइट करने लगा, फिर मेरे को करा आवाज आई, बाइक जा रही थी आसपास, तो करीब बुम बुम की आवाज करने लग गया मेरे को, और हमारा जो ओनर है जो हमको जमीन बेच रहा है, वो उसका गैराज मेरे को दिखाने लग गया, देखो हाँ बूम 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 करके मेरे को गैराज दिखाने लग गया उसका, अभी भी दिखाई रहा है मेरे को उसका गैराज, कह रहा है उस गैराज पे लेके जा, क्योंकि उसके लास्ट टाइम उसने उस गैराज में बाइक्स देखी थी, और एक बाइक बाहर भी खड़ी हुई थी जो कॉन्ट्रैक्टर आया था, तो भाई इसको इतना स्मार्ट है कि सब पता है, और भाई अब आवाज़ करके भू भू करके गैराज की तरफ ले जा रहा है मेरे को, दोबारा दूसरी बार ले जा रहा है कि दिखा भाई बाइक दिखा, बट भाई कैसे दिखाऊं आज, उसका गैराज ही लॉक है। तो जोई अभी ऊपर वहाँ पर है, जैसे ही वो आएगी भाई लोगों फिर हम ऐसे निकलेंगे, आज का कुछ सीन खास नहीं है, संडे है, संडे को कुछ होता नहीं है, बट ये लोग आ गए हैं हमारी मीटिंग के लिए, क्योंकि
बहुत टाइम हो गया था, हमने इनको बोला था कि भाई हमें वो कराना है, तो इनको लग रहा है कि ये बिजनेस इनके हाथ से चला जाएगा, जो भी पैसे वैसे देंगे इससे अच्छा है कि एक बार आके हमारी सुन ले। सबसे पहली बार हम मिले थे तो सबसे छोटा लड़का था उनके बिजनेस का, उससे मिले थे। छोटा लड़का मतलब बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो उनका सबसे छोटा लड़का हुआ अगर लड़का है जो, उससे मिले थे। तो आज उसका सबसे बड़ा भाई आया है समझने के लिए क्यों हम वो चाहते हैं, तो हमको मैनिपुलेट करने आया है कि भाई वो मत लो यार, उसमें बहुत काम होता है, हमें आता नहीं है वो काम, और नई टेक्नोलॉजी है किसी को नहीं पता, बट भाई गवर्नमेंट बोलती है वो टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसी टेक्नोलॉजी को फॉलो करो। और अभी मैं और भाई भैया जी दोबारा कहीं टाइम पास करते हैं, क्योंकि हमें भाई टाइम पास ना मिल रहा, कहाँ टाइम पास किया जाए, ए कहाँ टाइम पास किया जाए, है भाई कहाँ टाइम पास किया जाए, वहाँ कहाँ टाइम पास कराएगा भाई तू मेरा। यस बता दे, कुछ तो बोल दे यारा। ओ या कह रहा जा, ठीक है भाई लोगों निकलते हैं, आगे मिलते हैं। भाई लोगों मेरे को दोबारा खींच के लिया है मटन पे, कह रहे दिखा 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 दिखा, और जो भाई जो हमें लैंड बेच रहे हैं ना, उस बंदे को बोल दिया कि तू अपने यहाँ पर इस मटन को यहाँ पर छोड़ सकता है तू, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें भी एनिमल पसंद है, हमारे भैया भी पसंद है मटन। मटन भाई मटन आए इधर, क्या करें बता, मटन आई सी यू गाइस। He's so happy. ओके भाई लोगों लेडी हो गई है फ्री, सो लेडी व्हाट ही सेड गुड बी वे मोर एक्सपेंसिव। हां तो लेडी को हो गई है टेंशन, और भी ज्यादा पैसे लगने वाले हैं और भी ज्यादा पैसे लगने वाले हैं, तो उसको टेंशन, और सेप्टिक टैंक के लिए भी जगह ढूंढ रही है, क्योंकि सेप्टिक टैंक वाले से भी बात चल रही है, तो सेप्टिक टैंक के लिए ये हमारी इस दीवार के बीच में और ये भी हमारा है, तो इस वाले दीवार के बीच में जगह तो है। अब देखना है कि वो बंदा आके एक बार टेस्ट कर ले कि जगह पूरी है नहीं है, और उसको सॉइल टेस्टिंग भी होगी उसके हिसाब से, गवर्नमेंट बोलती है सॉइल टेस्टिंग भी कराओ कि वहाँ जहाँ पे तुम रख रहे हो वहाँ रखना सेफ है नहीं है, तो बहुत सारी यार रेगुलेशंस है वो सारे फॉलो करने के चक्कर में इसकी हालत ख़राब हो रखी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम सारा यही कर रही है। ये देखो दूध पी रहा है और हंस रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम सारा यही कर रही है, तो उसके चक्कर में इसको टेंशन मेरे से ज़्यादा है, मेरे को भाई पैसे इकट्ठे करने हैं बस। तो भाई ये तो ये सेप्टिक टैंक के लिए लगी हुई है, इसको भाई वो उसने बोला कि ये वाली रूफ कराओगे तो ट्रिपल प्राइस पड़ने वाली है, क्या हो गया भैया। और इसको देख लो भाई, इधर ना अपनी ज़मीन पे जाके वो लेके आई थी, किसके व्हाट सीड्स यू वर हैविंग, इसके पास भाई पीच के ना वो थे सीड्स, पीच खाए थे तो पीच के सीड्स बचा के रखे हुए थे, वो इधर उधर फेंक दिए ज़मीन के आसपास, जो भाई जब हम यहाँ पे शिफ्ट होने लगेंगे पीच के पेड़ आ जाएंगे, भैया जी को मिलेगा उसका फल, क्या बोलते हो फल आपको मिलेगा उसका। Yes. अच्छा तो भाई लोगों अब है टाइम घर जाने का, क्योंकि भैया दूध पी लेंगे, और लेडी कह रही थी इसको जेलसी हो रही है कि इसने कभी नहीं देखा भैया और मैं रिवर पे अड्डे पे टाइम पास करते हैं, इसने हमारे साथ अभी टाइम पास नहीं किया, तो उस अड्डे पे इसलिए मैं गाड़ी लेके नीचे आ गया हूँ, क्योंकि इसको भी अड्डे पे बैठना है हमारे, भाई अड्डा मेरा और भैया जी का था, ये भी आके हमारे साथ बीच में आ गई है। I'm a fun lady. You remember? You not.
ओके भाई लोगों, अभी अभी मैं अपने दौड़ के वापस आया हूँ। और भाई आज मैंने बस दौड़ी लगाई है, आज मैंने स्किपिंग नहीं करी रास्ते में। तो गया भाई 4 किलोमीटर रन करके आया। 21 से 22 मिनट लगते हैं 4 किलोमीटर में, मेरे को 23 भी लग जाते कई बार। तो भाई लोगों वो करके आया उसके बाद, और जाने से पहले बट मैंने वार्म अप भी कर लिया था। वार्म अप करना जरूरी है भाई, वो भी 15 से 20 मिनट का होता है थोड़ा बहुत। उससे पहले हमने किया, उससे पहले भाई हम आ गए थे दोपहर में। दोपहर में आने के बाद भाई लोगों ये इसको नैप दिला रही थी भैया जी को, तो इसने मेरे को नॉक करके बुला लिया, अरे तू भी आ जा इसको नैप दिला दे, सो जाएगा शायद, सो नहीं रहा था। तो मैं गया भाई नैप दिलाने के लिए उसको, और मैं ही सो गया। मैं और भैया जी ने फुल भाई 3-4 घंटे की नींद मारी। नींद मारने के बाद उठ गए, फिर हम उठे, फिर हमने क्या किया, कुछ नहीं किया भाई। उठने के बाद खाना वाना खाया भैया जी ने खाना वाना खाया, अपना नहाए वाए और उसको दोबारा बैग दिया सोने के लिए। फिर मैं चला गया था सफाई वफाई करने के लिए। सफाई वफाई करी भाई, उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने अपना खाना वाना खाया और मैं चला गया दौड़ने। और उसके बाद का सीन है ये। तो अब ऐसा है भाई लोगों, मैं करूँगा एडिट, हो सकेगा तो मैं ये वाली वीडियो डाल दूंगा मंडे को ही। तो तुमसे मिलते हैं बाद में। लेडी है उधर की तरफ, उसकी हालत हो रही है ख़राब, वो सोने जा रही है। जैसे तुम लोग भी जाओ भाई लोगों, मिलेंगे बाद में।